एक कहानी चलती है परिंदा को लेके कि आ, पहले आप अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल करने वाले जी थो बिल्कुल हाँ मैं पहले जकी का रोल करने वाला था और नसीर अन्ना करने वाला था फिर नसीर बैकआउट हो गया और मैं और हमने रिहर्सल की काफ़ी मैंने और अनिल मैंने इसका जाकी के रोल के लिए मैंने काफ़ी तैयार किया अच्छे महीने तक और फिर अचानक से अब हाल में मैंने अनिल से बात की तब बोला मैंने कहा अरे तूने विनोद को ऐसे बोल दिया कि नाना को निकाल दो तो कह है सच कहूँ नाना यार क्या मालूम है क्या क्या हो गया मालूम है यार मैं सोचा कि ना नाना को, को मैं स्टार बनाऊँ यार हाँ मतलब यार वो तो जाहिर था कि वो स्टार बनेगा वो जाके का रोल जो तूने तू तु करने वाला था तो तो मैंने कहा हम नाना के लिए काय को उसको स्टार बनाए तो मैंने कहा उस वक्त मैंने तुझे बताया था ना साला कोई भी रोल कर मैं हम स्टार बना के देखेंगे तेरी तरफ कोई नहीं देखेगा ऐसे ही मजाक अनिल में मुझ में सब कुछ चलता है आजकल लेकिन उस वक्त वो तो स्टार था विनोद ने मान लिया उसकी बात को हमको निकाल दिया फिर हम निकल गए फिर हम अपना नाटक करने लगे फिर एक चार तीन चार महीने के बाद विनोद आया के चल तू अन्ना का रोल करेगा क्या पहले तो गुस्सा है उसको देख के मैंने कहा मैं करूँगा मैं तेरी कैब अभी मार्केट में तुझे जितने पैसे लेता है उतने दूंगा वो तो मैंने कहा वो मेहरबानी थोड़ी करता वो तो लूँगा लेकिन लिखूँगा मैं ये जो आग वग़ैरह का जो है ना एंगल वो कुछ नहीं था उसमें पहले पूछो विनोद को बुलाओ मेरे सामने बिठाओ दोनों को सामने एक दिन ऐसा इंटरव्यू करो ऐसी बत्त, बत्ती बुझ जाएगी <laughs> दो महा गुस्से गुस्सा नहीं गुस्सा क्या वैसे ऊपर क्या गुस्सा करना यार गुस्सा नहीं रह माता उस सामने सामने बिठा के बोलने का सामने है उसे अन्ना बन गया बन गया इम्तियाज हुसैन ने लिखा है डायलॉग्स भाई भाई का प्यार बीच में आए तो दोनों को गोली मार दी इम्तियाज हुसैन का है लिखा हुआ ये क्या लिखा है जब वो परफॉर्म करो तब तो तुमको पता चलता ना क्या लिखा है फिर तो वो आखिरी में जब बोलता है मार के आते धंधे के हाँ धंधे में कोई किसी का भाई नहीं कोई किसी का बेटा नहीं और वैसे ही होता है